जो इंसान ऐसी पार्टी के साथ जा कर के मिल गया, इसका मतलब है कि वो पहले से उनके मन में ऐसा कुछ था, चल रहा था, लगातार वो प्रेशर पॉलिटिक्स में पड़े हुए थे, और कभी भी उन्होंने अपने परिवार के बाहर जा कर के क्या उन्होंने अपने समाज के किसी लोगों को जगह दी? तो उनकी विचारधारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती है, और वो दिखावे के लिए अपने समाज और दलित और पिछड़े समाज की बात वो करते हैं। मायावती भी नहीं आ रही हैं, चिराग पासवान भी आपके साथ, जो दलितों के बड़े बड़े चेहरा हैं, हम के थे रितन रमन जी भी चले गए हैं, तो कैसे दलितों के वोट को आप कैसे साधेंगे? जब देश में इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, चाहे आपके आरक्षण पे हत्या हो या संविधान पे हत्या हो, ऐसे विषयों पे ये लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं और बात करेंगे कि भाई हम इस समाज से आते हैं, दलित समाज के हम नेता हैं, तो मैं इनको दलित समाज का नेता बिल्कुल नहीं मानती हूँ। का दो दिन पहले का स्टेटमेंट है कि कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म, उन्होंने हिंदुइज्म के रास्ते को चुन लिया, आप लोग को कास्टिस्ट बताया है। जीतन राम मांझी जी पुत्र मोह में पढ़ करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच करके अपने समाज का ही नहीं सिर्फ अनिष्ट और अहित किया। उन्होंने चार की हैसियत है, आप 40 मांगिए तो वो क्या है, दबाव की राजनीति नहीं है? कहाँ थे चिराग पासवान जी जब आज महिला खिलाड़ियों पे इतने प्रहार हुए? कहाँ थे चिराग पासवान जी रेल में दुर्घटना हुई, कितने लोगों की जान गई, क्यों नहीं एक शब्द बोला उन्होंने? मांझी जी उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर को धुलवाया। मांझी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मांझी जी उन लोगों के साथ हैं जो देश को आरक्षण मुक्त देश बनाना चाहते हैं। तेईस जून को विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक बिहार में होने जा रही है। देश के सभी विपक्षी पार्टियां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या बड़े चेहरे हों वो आने वाले हैं, लेकिन बिहार में महागठबंधन को एक बड़ी झटका लगी है। हम पार्टी के जो नेता थे, जो मंत्री थे संतोष सुमन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जहाँ बीजेपी का कहना है कि आप चलेंगे डाल डाल तो हम चलेंगे पाथ पाथ, आप बड़े नेताओं को एक कीजिए, हम छोटे छोटे नेताओं को एक करेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरिका पासवान जी हैं, आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैम क्या कहेगी, आपके साथ तो मांझी जी अब नहीं रहे। देखिए मांझी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मांझी जी उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर को धुलवाया। मांझी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मांझी जी उन लोगों के साथ हैं जो देश को आरक्षण मुक्त देश बनाना चाहते हैं। तो अब मांझी जी से बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो अपने लोगों को क्या बोलेंगे, जिस समाज और जिस समुदाय के वो नेतृत्व करता है वो अपने समाज को क्या बताएंगे कि आज मैं उन लोगों के साथ चला गया हूँ सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए। मतलब क्या है, मांझी जी के पास तो मुझे नहीं लगता है, मतलब सुना होगा आपने वो कहानी ना, लोमड़ी और वो शेर वाली, जो शेर जंगल का राजा था लेकिन लोमड़ी जो धूर्त लोमड़ी की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी जंगल का राजा बन जाऊँ, और वो खुद को नीले रंग में रंग लिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो जाके जंगल में एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेने लगा, वो सारा सम्मान वो सारे अधिकार उसको मिल गए राजा वाले, और बाद में जब दूसरे मतलब लोमड़ियों ने हुआ हुआ करना शुरू किया तो वो भी हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। तो जब दोहरे चरित्र के लोग होते हैं जो एक दिखावे के चरित्र रखते हैं, तो अभी तक जीतन राम मांझी जी जो उनका जो रहा है वो हमेशा उन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति की है, और आज वापस से वो उन्हीं लोगों के बीच में चले गए, तो ये तो दिखा रहा है कि वो खुद को मांझी समाज के सबसे बड़े नेता, दलितों के नेता घोषित करते हैं खुद को। तो इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो जवाब देंगे अपने समाज के लोगों को जब वो लोग प्रश्न करेंगे? जो इंसान ऐसी पार्टी के साथ जा कर के मिल गया, इसका मतलब है कि वो पहले से उनके मन में ऐसा कुछ था, चल रहा था, लगातार वो प्रेशर पॉलिटिक्स में पड़े हुए थे, और कभी भी उन्होंने अपने परिवार के बाहर जा कर के क्या उन्होंने अपने समाज के किसी लोगों को जगह दी या उनके बारे में सोचा, या ये निर्णय लेने से पहले उन्होंने एक बारी सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। तो उनकी विचारधारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती है, और वो दिखावे के लिए अपने समाज और दलित और पिछड़े समाज की बात वो करते हैं, और आज वो अंततः साफ हो गया, क्लियर हो गया, स्वतंत्र है उन्हें जहां जाना है, उससे महागठबंधन को कोई लाभ और नुकसान नहीं होने वाला है। उनका दो दिन पहले का स्टेटमेंट है कि कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म, उन्होंने हिंदुइज्म के रास्ते को चुन लिया, आप लोग को कास्टिस्ट बताया है। देखिए जब कहते हैं ना अपने लिए रास्ता कोई इख्तियार करना पड़ता है ना, तो वो एक उसका कहते हैं ना कि जवाब भी ढूंढ के रखते हैं, और उसी जवाब के तहत वो अपनी गलती और खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी जी पुत्र मोह में पड़ करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच करके अपने समाज का ही नहीं सिर्फ अनिष्ट और अहित किया उन्होंने, बल्कि अब उनके पास तो मुझे लगता है कि क्या लेकर के वो मुँह जाएंगे, और स्वतंत्र हैं भाई, मैं
मैं तो कहती हूँ कि एक पार्टी है, हम पार्टी एक उनकी है और उस पार्टी के तहत उनकी ये स्वतंत्रता बनती है कि वो जिस पार्टी के साथ जाए वो मिले। ये जा रहा है, उनका स्पष्ट आरोप है कि आप लोग दबाव बना रहे थे, दो मंत्रालय था, एक मंत्रालय भी आपने उनसे छीन लिया, फिर बेचारे क्या करते हैं? देखिए दबाव तो वो बना रहे हैं, दबाव तो वो है, चार की मतलब हैसियतें आप 40 मांग रहे हैं, 5 सीट। अरे भाई मैं तो आपको बोल रही हूँ ना, चार की हैसियतें आप 40 मांगिए तो वो क्या है, दबाव की राजनीति नहीं है। आप 243 सीट पे लड़िए ना, आप पार्टी है ना भाई, आपको किसी ने रोका है? आप चाहिए तो पूरे 243 विधानसभा पे लड़िए और 40 लोकसभा पे लड़िए। मैं तो 243 विधानसभा की बात कर रही हूँ और 40 मैं लोकसभा की बात करती हूँ। पार्टी होने के नाते आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो तमाम सीटों पे आप अपने कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, लेकिन वो ना करके आप वर्तमान जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में रह करके अगर आप दबिश की राजनीति करना चाहते हैं तो वो किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। मैम मायावती भी नहीं आ रही हैं, चिराग पासवान भी आपके साथ, जो दलितों के बड़े बड़े चेहरा हैं, हम के थे रीतन रमन जी, वो भी चले गए हैं, तो कैसे दलितों के वोट को आप कैसे साधेंगे? देखिए मैं तमाम, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, इन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, जब देश में इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, चाहे आपके आरक्षण पे हत्या हो या संविधान पे हत्या हो, ऐसे विषयों पे ये लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं और बात करेंगे कि भाई हम इस समाज से आते हैं, दलित समाज के हम नेता हैं, तो मैं इनको दलित समाज का नेता बिल्कुल नहीं मानती हूँ। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक पद और एक जो कहते हैं मंत्रिमंडल तक सीमित रह जाती है, मतलब कि स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं और इस पर हम बिल्कुल नहीं मानते हैं इनको कि ये कभी भी दलितों के हित की बात ये कर सकते हैं। कहाँ थे चिराग पासवान जी जब आज महिला खिलाड़ियों पे इतने प्रहार हुए? कहाँ थे चिराग पासवान जी रेल में दुर्घटना हुई, कितने लोगों की जान गई? क्यों नहीं एक शब्द बोला उन्होंने? तो चिराग टेक्निकल फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट ने लोगों की जान गई, और वो जान गई किनके शासन काल में गई, कौन रेल मिनिस्टर है, कौन देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने झंडे दे करके इन रेलों का ये किया, इनॉग्रेशन किया। तो इस्तीफा मांग लेंगे? अरे क्यों नहीं मांगेंगे आप, इसके पहले आपने नहीं देखा है क्या, जब ममता बनर्जी जी जब रेल मिनिस्टर थी उनके शासनकाल में जब इस तरह की दुर्घटना हुई थी, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के उन्होंने पद का त्याग किया था, नीतीश कुमार जी ने भी किया था पद का त्याग, तो फिर अभी क्यों नहीं? ये लोग जिम्मेदारी से भाग गए थे, वो लोग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए ये लोग जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं, ये लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, आज भी इनका जो कहना ध्रुव एक ही जगह अटका हुआ है, ये क्या कर रहे हैं ये बताएं देश को, देश देख रही है कि ये देश को कुछ नहीं कर रहा है। आज रेल भी जो है ना आज राम भरोसे चल रहा है, अगर इतना ये आप हमारे तो रेल मिनिस्टर हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी थे, उस टाइम की आप देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए, रेलवे में क्या हुई है इम्प्रूवमेंट, क्या बढ़ोतरी हुई है, रेल जो है वो लगातार घाटे में जा रहा है, क्या सुविधाओं में इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिया, बल्कि रेल को तो इन्होंने बेच दिया। तेईस जून को जो विपक्षी एकता की बड़ी एकाएक बड़ी बैठक होने जा रही है उसको लेके सवाल करूंगा, क्या लगता है जिसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि सभी चोर एकजुट हो रहे हैं? देखिए सारे संविधान को बचाने वाले लोग, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग और एक मजबूत जो कहते हैं सारे तमाम विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, असहज है और अपनी असहजता में वो इस तरह की बातें बोल रही है। वक्त आने दीजिए, 2024 बहुत नज़दीक है, इनको जनता जो है कड़ी जवाब देगी। एक और कमेंट लेना चाहूँगा मैम, गिरिराज सिंह जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि गोडसे देश के वीर सपूत हैं, आप लोग उनको जो है आतंकवादी बोलते हैं। शुक्र है उन्होंने मान लिया, हम तो कह रहे थे ये लोग गोडसे की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि ये भी वो स्पष्ट कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना नाता है, और अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हम लगातार बोलते आए हैं कि ये लोग गोडसे के पुजारी हैं और गोडसे की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, आज तो खुद गिरिराज सिंह जी ने कह दी ये बात। चलिए धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। ये सरिका पासवान जी थी, आरजेडी की प्रवक्ताएं हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखी है, इस पे आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।